तो हम बात कर रहे थे राहु और गुरु की युति के बारे में, और इस युति को जैसा कि आपको पता है हम चांडाल दोष के नाम से जानते हैं। तो अब तक हमने सिक्स हाउस तक बात की है, अब बारी आती है सेवन्थ हाउस की। सेवन्थ हाउस में जब आपके राहु या गुरु या फिर गुरु या राहु की युति हो तो इसके क्या परिणाम रहेंगे। देखिए, सेवन्थ हाउस वह हाउस है जहाँ पर हम वैवाहिक जीवन का विचार करते हैं, हमारे जीवन साथी का विचार करते हैं और बिजनेस को देखते हैं। और टेंथ हाउस से जो हमारा भावात्मक के अनुसार टेंथ हाउस है वो भी सेवन्थ हाउस है, तो कहीं ना कहीं हमारे जॉब को हमारे व्यवसाय को भी सेवन्थ हाउस दर्शाता है। तो उस दृष्टि से सेवन्थ हाउस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर कोई भी ग्रह जब बैठेगा तो वो हमारी पर्सनैलिटी को भी निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करेगा। ऐसी स्थिति में जब गुरु और राहु दोनों ही सप्तम भाव में आते हैं तो आपके लिए ये देखना बहुत ही ज़रूरी है कि इनके बीच में जो डिग्री का डिफरेंस है वो कितना है, इनका दोनों का नक्षत्र कौन सा है और राशि कौन सी है। यहाँ पर दोनों ही अच्छे साबित नहीं होंगे। हालांकि गुरु अगर अपनी खुद की राशि में हो या फिर अपनी मित्र राशियों में कुछ हद तक आपको सहायता कर सकते हैं, अदरवाइज दोनों ही ग्रह यहाँ पर अच्छे नहीं माने जाएंगे। और राहु भी अगर आप देखेंगे मिथुन राशि का हो या फिर कुंभ राशि का हो या वृषभ या फिर तुला का हो तो राहु तो बिल्कुल भी यहाँ पर अच्छा नहीं कहा जाएगा। तो ऐसे केस में आपको देखिए, राहु की जहाँ तक बात करें तो राहु फेक इमेज को रिप्रेजेंट करता है, वो कुछ भी सही नहीं दिखाता। बड़े बड़े सपने दिखाना, बड़ी बड़ी बातें, और जबकि हकीकत कुछ और ही होती है। तो एक तरह से राहु है वो इल्यूजन है और राहु भ्रमित करने वाला ग्रह है। राहु एक तरह से चांडाल के रूप में ही है। तो राहु एक राक्षस ग्रह है, छाया ग्रह है। इस दृष्टि से राहु को अगर देखा जाए तो ये एरी है, और जुपिटर की जहाँ तक बात है जुपिटर है वो फायरी ग्रह कहा जाता है। तो राहु एक तरह से हम कहें कि राहु चांडाल के समान ही है, और राहु अच्छा हुआ तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको अच्छे परिणाम भी कुछ मामलों में दे सकता है, जैसे बिजनेस वाइज आपको अच्छा परिणाम दे सकता है। लेकिन मैरिड लाइफ के अकॉर्डिंग तो अगर देखोगे तो बिल्कुल भी यहाँ पर राहु का रिजल्ट पॉजिटिव नहीं रहेगा। तो राहु हमारे लिए किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है, देखिए राहु है ये हमेशा शनिवत चलते हैं और बुध की, शुक्र की और शनि की राशियों में इनके रिजल्ट मुख्यतया अच्छे रहते हैं, लेकिन वो भी सेवन्थ हाउस में नहीं कहे जा सकते। साथ में अगर बात करें जुपिटर की तो जुपिटर इंटेलिजेंसी का कारक है, मतलब इंटेलिजेंट बनाता है, ज्ञान का कारक है, पुत्र और धन का कारक है, और जुपिटर भाग्य का कारक भी है। इसके अलावा जुपिटर आपकी बुद्धिमत्ता को, विवेकशीलता को दर्शाता है, आपके स्वभाव में जो शालीनता है, आपका जो सोचने का तरीका है, आपकी जो पॉजिटिव सोच लाइफ के प्रति है या एक जनरल थिंकिंग जो आप अपनी लाइफ के प्रति रखते हैं, उन सबको जुपिटर दिखाता है। साथ में जुपिटर गुरु है तो जुपिटर को भी हम सेवन्थ हाउस में अच्छा नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी जुपिटर अगर खुद की राशि में धनु या फिर मेन में हो या फिर ये चार नंबर में स्थित हो, मतलब कर्क राशि में स्थित हो, या फिर ये अपने जैसे मेष राशि में स्थित है या ये सिंह राशि में स्थित है तो अच्छे परिणाम दे सकता है। अदरवाइज यहाँ पर राहु जब साथ आ गए तो राहु और दोनों मिलकर अच्छे परिणाम नहीं दे सकते। हाँ, बिजनेस वाइज कुछ आपको गुरु हेल्प कर सकते हैं अगर अच्छे हुए तो, और राहु भी बिजनेस के मामले में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बात मुख्यतः पार्टनरशिप की है। तो पार्टनरशिप हम दो तरह से करते हैं सेवन्थ हाउस में, एक तो हमारा जीवन साथी जिनके साथ हम पूरे जीवन भर पार्टनरशिप में या साथ निभाने के लिए रहते हैं, और दूसरा हम बिजनेस में पार्टनरशिप करते हैं। तो राहु यहाँ पर बिल्कुल भी पार्टनरशिप को अलाउ नहीं करता है, और राहु को कोई भी बाउंड्री नहीं है, यानी उसको कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं, कोई उसके सीमा नहीं, तो वो कितना भी किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी हद तक वो बाउंड्री पार कर सकता है। ऐसे केस में जब आपके राहु और दोनों की युति बनेगी गुरु की, तो ऐसे केस में निश्चित ही ऐसा हो सकता है कि आप अगर खुद बिजनेस करें तो बहुत ज़्यादा सफल हो सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप करेंगे तो पार्टनरशिप में हमेशा आपको धोखा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, या फिर कन्फ्यूजन होना, लड़ाई झगड़े होना, और आपको लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, और जो भी आप पार्टनरशिप करेंगे वो किसी ना किसी वजह से आपकी टूटती रहेगी। तो इस दौरान आपको चाहिए, अगर आपके इस प्रकार से चांडाल दोष बन रहा हो राहु और गुरु का,
तो आपको अगर बिजनेस करना है तो खुद ही करें और पार्टनरशिप को जहाँ तक हो सके अवॉइड करें। हालांकि दोनों के होने से आपको काफ़ी सारे ऐसे चांसेस देखने को मिल सकते हैं लाइफ में, जहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऐसे मौके आ सकते हैं कि आपको लगता है कि बहुत अच्छी पार्टनरशिप हो जाएगी, बिजनेस ग्रो हो जाएगा। लेकिन मुख्य रूप से पार्टनरशिप यहाँ पर अलाउ नहीं है दोनों की युति होने पर, और राहु आपको अकेले ही बहुत अच्छी सक्सेस दे सकते हैं अगर यहाँ पर राहु सप्तम भाव में अच्छे हुए तो। अब यहाँ पर जो गुरु हैं वो हालांकि अगर अच्छे हैं तो कुछ थोड़ा बहुत मौका आपको दे सकते हैं पार्टनरशिप में और कुछ थोड़ा बहुत लाभ दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उसको राहु बहुत ज़्यादा खराब कर देंगे। तो राहु एक तरह से बिगाड़ देंगे, अगर जुपिटर बनाने का काम भी करेंगे तो राहु बिगाड़ने का काम करेंगे। अब ये दोनों ही एक ग्रह ऐसा है जो बहुत शुभ है, दूसरा बहुत ही ज़्यादा अशुभ है। ऐसे केस में जब एक ग्रह आपका कोई काम सुधारेगा तो दूसरा ग्रह वहाँ पर बिगाड़ भी देगा। ऐसे केस में आपको हमेशा पार्टनरशिप में, बिजनेस में हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। हालांकि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल सकता है, आप अपने अपने खुद के बिजनेस के ऊपर दम पर आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं। राहु यहाँ पर बहुत कुछ देता है, अच्छे रिजल्ट भी बहुत देता है। तो हो सकता है आपका कोई बिजनेस हो या कोई ना कोई आपका ऐसा काम हो जहाँ पे आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिले और आपको खुद को एक अच्छी पहचान भी मिल सकती है। साथ में ये जो युति है दोनों की, ये कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे मैरिड लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देगी, यहाँ तक कि डिवोर्स की स्थिति लेकर आती है। और राहु अकेला ही काफ़ी होता है यहाँ पर डिवोर्स वगैरह के लिए, जबकि जुपिटर के साथ आने से यहाँ पर आपकी जीवन में किसी और के आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जुपिटर है वो ड्यूअलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपकी लाइफ में हो सकता है दो पार्टनर हो सकते हैं, इसके बावजूद भी आपकी जो मैरिड लाइफ है वो अच्छी नहीं चलेगी। साथ में आपका जो है बहुत सारे कहीं ना कहीं कुछ अफेयर वगैरह होने की वजह से बहुत सारे ऐसे सेटबैक्स आपको मिलेंगे, हार्ट ब्रेक आपको ऐसे देखने को मिल सकते हैं प्यार में, जहाँ पर आपने कोई भी ऐसी स्थिति सोची ना हो वैसा आपके साथ हो सकता है। तो जब भी राहु और गुरु की युति बन रही हो आपके सप्तम भाव में, तो उस केस में आपको वैवाहिक जीवन में कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और अगर आप वैवाहिक जीवन को आगे चलाना चाहते हैं तो अरेंज मैरिज को ज़्यादा फॉलो करें तो अच्छा रहेगा। साथ में आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा सामंजस्य बना के चलें और कुंडली मिलान अवश्य करें, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपकी लाइफ बच सकती है। अदरवाइज मैरिड लाइफ को दोनों ही जो ग्रह हैं वो स्पॉइल कर देंगे। और यहाँ पर आपको हालांकि बिजनेस में अच्छी सक्सेस मिल सकती है। तो अब बात करते हैं बिजनेस वाइज अगर देखा जाए इस हाउस को और दोनों को अगर देखा जाए, तो बिजनेस में पार्टनरशिप में अगर आप काम नहीं करें और खुद का ही बिजनेस करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप बहुत ज़्यादा मेहनती होंगे और अपने बिजनेस पर ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाएंगे, आपका बिजनेस अच्छे से ग्रो होगा। और राहु अगर अकेला भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा है तो भी आपका बिजनेस ग्रो हो जाएगा और आपको एक नई पहचान मिल सकती है। साथ में ये दोनों ही ग्रह हैं वो कहीं ना कहीं जो मिस्टिक साइंसेज हैं उनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं, तो आपका और आपके पार्टनर का दोनों का ही हो सकता है एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री में इनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो। साथ में ये दोनों ही ग्रह हैं वो बहुत ज़्यादा एक तो स्पिरिचुअलिटी दे सकते हैं, एक बहुत ज़्यादा ये मेटरलिस्टिक सोर्स देते हैं, तो हो सकता है आपकी तुलना में आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपसे मेटरलिस्टिक चीज़ों को एक्सपेक्ट करेगा, और अगर आप उनकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं तो आपको वो कहीं ना कहीं धोखा दे सकता है, आपके साथ चीटिंग हो सकती है। तो ये मेटरलिस्टिक युति भी मानी जाती है। और यहाँ पर जुपिटर को अगर देखा जाए तो जुपिटर जिस भाव में होते हैं उसको वो विस्तार देते हैं, एक्सपांशन करते हैं, इस वजह से हो सकता है आपके पास मैरिड दो मैरिज के चांसेस हों, और हो सकता है कि दूसरी मैरिज भी अच्छी ना चले, उसके लिए आपको अपनी कुंडली जरूर देखनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैरिड लाइफ के लिए अच्छे रिजल्ट नहीं कहे जा सकते, ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती, पर फिर भी अगर आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर सकें तो ये ज़रूर देखना चाहिए कि आपका जो पार्टनर है उसका नेचर किस प्रकार का है। और आपका पार्टनर बहुत समय पर ऐसा हो सकता है जब उनका नेचर आपको समझ में नहीं आए, और बहुत बार ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके और उनके बीच में क्रिएट हो, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभालने की ज़रूरत पड़ जाती है। अब ऐसा जातक अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेस का कोई प्रोजेक्ट या कोई ऐसा स्टार्टअप शुरू करता है तो वहाँ पर भी उसको हालांकि अच्छे ऑफर आते हैं लेकिन अंत उनका बहुत ही बुरा होता है।
ऐसा ही केस अगर आपका किसी से प्रेम संबंध है या किसी के साथ आपका रिलेशनशिप है तो उनमें देखने को मिलता है। अब ये दोनों ही ग्रह आपको अकल्ट की तरफ लेकर जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बना देते हैं, आपको अच्छी पहचान दिला सकते हैं, राजनीति में लेकर जा सकते हैं, फॉरेन टूर करवा सकते हैं। तो आपके लिए, खुद के लिए तो ये अच्छे साबित हो सकते हैं, लेकिन मैरिड लाइफ और बिजनेस वाइज अगर देखा जाए तो ये अच्छे साबित नहीं होते। अब देखिए, इन दोनों का अगर हम पॉजिटिव प्रभाव देखें तो दोनों ही ग्रह सबसे पहले देखेंगे आपके लाभ स्थान को, तो ये धन को दुगुना कर सकते हैं, तिगुना कर सकते हैं, मतलब धन आपके पास काफ़ी मात्रा में हो सकता है। जुपिटर के अकेले के बहुत अच्छा यहाँ पर प्रभावी होने के बाद भी आपको धन अच्छी मात्रा में मिल सकता है, लाभ अच्छी मात्रा में प्राप्त हो सकता है अपने बिजनेस से। साथ में आपकी पर्सनैलिटी में भी कहीं ना कहीं इनका बहुत अच्छा प्रभाव रह सकता है। ये दोनों ही आपके तृतीय भाव को देखेंगे, तृतीय भाव को देखने से आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा और आपके पार्टनर का भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो सकता है। और आप यात्राएं करें, फॉरेन टूर करें, फॉरेन में आपका कोई बिजनेस हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो राहु और गुरु की जो युति है सप्तम भाव में बनने से इस प्रकार के परिणाम मिल सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में